दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सोनम वांगचू। आप सभी को पता है कि सोनम वांगचू पिछले 11 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, एक आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। वो किस लिए? लद्दाख को सिख शेड्यूल के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, ताकि वहाँ की प्रकृति, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की संस्कृति को सहज कर संभाला जा सके। तो दोस्तों इसके चलते वो 11 दिन से एक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अब इनकी भूख हड़ताल एक ऐसे मुकाम पर आ गई जो अपने आप में एक बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन है। एक तो सोनम वांगचू जी को भूख हड़ताल पर बैठे हुए आज 11 दिन हो गए हैं और 11 दिन तक कोई व्यक्ति भी अगर सिर्फ पानी और नमक पे जिंदा रहता है तो वो भी एक खतरनाक पहलू है, क्योंकि इस समय ऐसी सिचुएशन है जब मतलब उनके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल ये सब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले उनकी मेडिकल जांच हुई थी जिसमें पता चला था उनका शुगर लेवल गिर गया है, ब्लड प्रेशर डाउन होने लग गया है, तो एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। दूसरा, आज से इलेक्शन की डेट घोषित कर दी गई है। हमारे देश में इलेक्शन की जो चुनाव है उसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो अब सबसे अहम बात ये भी है कि जो ये मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार जो है, अब वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब क्या है, आज से इलेक्शन की घोषणा शुरू हो गई है। तो अब सारी पार्टियां जो है वो चुनाव प्रचार में लग जाएंगी। अब मोदी सरकार चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकती और ये बात सोनम वांगचू जी समझते भी और जानते भी हैं, और बकायदा इस बात का उन्होंने जिक्र आज के अपनी इस वीडियो में करा। आज उन्होंने अपनी ये वीडियो हिंदी में बनाई है और क्या ये वीडियो अभी हम आपको पूरा दिखाएंगे। और दोस्तों एक अहम खबर है जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि कल 17 मार्च है और कल संडे है। कल सोनम वांगचू जी के समर्थन में पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में लोग एक दिन का अनशन करेंगे और रैलियां निकालेंगे, सभाएं करेंगे। और वो रैलियां, वो सभाएं दिल्ली के अंदर कहां-कहां, दिल्ली और मतलब इंडिया के अंदर पूरे हिंदुस्तान में वो सभाएं, वो रैलियां कहां-कहां किस किस टाइम हो रही है उसकी डिटेल हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड मेंशन कर रहे हैं। तो आपको जो उनसे जो जिस भी स्टेट में लोग आप रहते हो, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, राजस्थान हो या गुजरात हो, किसी भी अगर राज्य में रहते हैं, उस राज्य में अगर सोनम वांगचू से जुड़े हुए लोग उनके समर्थन में अगर कोई रैली कर रहे हैं तो उसकी जानकारी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आपको वहां से मिल जाएगी। और अगर आप भी उनका समर्थन देना चाहते हैं तो आप इन लोगों से संपर्क करें और उनके साथ कल एक दिन का अनशन जरूर करें। और दोस्तों क्या कुछ कह रहे हैं सोनम वांगचू जी, आप देखें इनकी इस वीडियो के अंदर, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी सरकार सोनम वांगचू जी की बातों को सुनेगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा शेयर होंगी तो सरकार तक ज्यादा पहुंचेंगी, और जब वीडियो ज्यादा पहुंचना शुरू होंगी तो हो सकता है सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोग सोनम वांगचू जी के बारे में सोचें। नमस्कार, सलाम। ये मेरे अनशन का 11वां दिन ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर मेरे साथ आज लगभग 1500 लोग एक दिन के अनशन पर बैठे हैं, आप देख रहे हैं। इनमें से लोग बहुत दूर दूर के गांव से आए हैं, कोई चीन के सीमा पर LAC से और कोई पाकिस्तान के सीमा पर LOC से यहाँ आए हैं। तो ये था आज का दिन। तो दोस्तों आप लोगों को तो मालूम ही है, आज से चुनाव की घोषणा हो गई है, इलेक्शन नोटिफिकेशंस निकल गए हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा और ऐसे में ये सरकार कुछ चाहे भी तो कर नहीं सकती है। हम हैरान हैं कि उन्होंने आज के दिन तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया लद्दाख के इस समस्या को सुलझाने का, अपने वचन को पूरा करने का। और अभी मेरे अनशन के 10 दिन बचे हैं 21 दिन के लिए, और शायद ये बढ़कर और 21 दिन बढ़े, तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके बच जाते हैं। पहला तो ये कि आने वाली सरकार, वो कोई भी हो सकती है, तो जो मुख्य गुट हैं, गठबंधन हैं, उनसे हम उम्मीद करें कि वो लिखित में एक कानूनी मान्य आश्वासन दें कि वो अपनी सरकार के बनते ही लद्दाख के इस समस्या को सुलझाएंगे और यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की जनजातीय संस्कृति की संरक्षण करेंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो ये है कि फिर ये सरकार ही बदल जाए
जिसने वादा किया और उस पे मुकर गए। कोई ऐसी सरकार आए जो सच्चाई पे चले, सच्चाई की कद्र करे। मगर फिर ऐसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, मगर अगर मजबूर हुए तो हमें फिर हर चुनावी सभाओं में जाकर लोगों को भारत भर में ये लद्दाख की जो कहानी है, जो लद्दाख के साथ गुजरा, उसे समझाना पड़े। और चुनाव के घोषणा पत्रों के साथ क्या हाल होती है अगर जनता ध्यान ना दे, तो ये उनको समझाया जाए ताकि ऐसा किसी भी राज्य में किसी भी जनता के साथ नहीं हो। मेरी पूरी उम्मीद है कि ये दूसरा रास्ता हमें ना अपनाना पड़े और पहले पे ही कुछ समझौता हो, जहां सर्वदलीय एक समझौता हो कि वो लद्दाख के पर्यावरण और जनजातीय संस्कृति और लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन मिले। बहरहाल आप लोगों से मैं फिर विनती करूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि कल संडे 17 मार्च को बहुत से लोग अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में, भारतवर्ष में छोटे छोटे सभाओं में या तो एक दिन का अनशन करके या लद्दाख के लिए समर्थन जताकर हमारे इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमारी आपसे उम्मीद है, पूरे देशवासियों से लद्दाख की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अभी फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर ग्रुप से सूचना मिली है कि कल 17 मार्च को रविवार इन इन शहरों में इन इन समय पर छोटे बड़े सभाएं होंगे और अनशन भी होगा, जैसे मुंबई में आज़ाद मैदान, पुणे में मारुति मंदिर, नागपुर में संविधान चौक, ऐसे ही बहुत से शहरों के नाम और समय दिए गए हैं। आप भी इनमें जुड़ सकते हैं और लद्दाख का समर्थन कर सकते हैं।